नुआपड़ा जिला खड़ियाल थाना को खबर संग्रह पई जायतिबा कार्यरत सांबादिक सकल प्रतिनिधि रवि ठेला थाना सम्मुखरे मरणांतक आक्रमण घटना रे खड़ियाल पुलिस द्वारा सात जन को गिरफ्त करी शुक्रवार कोर्ट चलाण करा जायतिबा बळे फेरार अभियुक्त को गिरफ्त दाबी रे जिला सांबादिक समन्वय समिति आवाहक घनश्याम भोई और परमेश्वर बारिकंक नेतृत्व में जिलार समस्त सांबादिक खड़ियाल थाना सम्मुखरे कला ब्याज पिंधि धारणा देते धारणा में खड़ियाल विधायक अधिराज मोहन पाणिग्राही सहित जिलार अनेक सामाजिक संगठन समर्थन जनई धारणा बसते पुलिस पक्ष निर्भय प्रतिश्रुति मिलवापर धारणा को स्थगित रखी प्रथम थरपाई सांबादिकों सहित जिले में एपरी एक अभावन घटना घटी जनसाधारण पाखे असंतोष प्रकाश पाई और पुलिस प्रशासन को विभिन्न महलू तीव्र निंदा कर देखा मिली रविचंद्र ठेला सकालर प्रतिनिधि थाना को संवाद संग्रह करते थाना जेन मान विरुद्ध संवाद संग्रह होता से ही अपराधी मैंने थाना सामने सीसीटीवी कैमरार फोकस जेन प्रकार जघन्य आक्रमण कले जिते निंदा कले भी भाषा कम पड़ा आज सांबादिक मैंने आंदोलन में बसन से दावी कर समस्त अपराधी मान को जेन मैंने खाली अपराधी नुहे मुझे दावी कर अपराध पचरे जेन मैंने प्रभोग कर जेन मैंने इन्स्पेक्ट कर जेन मैंने उस्कईन से भी चिन्हट करके गिरफ्त कर 24 घंटा भितर आगामी दिन में जिलार कार्यरत सांबादिक बंधु मान सुरक्षा कथा भी पुलिस निश्चित करू एवं सांबादिक बंधु मैंने जहां दावी करदी प्रकृत में पुलिस अवहेला रेस्क्यू करवे तेल तार भी गोटे इनक्वारी टीम तैयारी हो तदंत हो से दोषी पुलिस अधिकारी जी किए आसवा विरुद्ध भी कार्यानुषान ग्रहण करूँ जहां जहां दावी होती पूरण नहीं ताले सांबादिक बंधु मैंने जेन प्रकार भी आंदोलन करेंगे ताकू आम नैतिक समर्थन ज्ञापन कर लड़े निर्णायक लड़े हवा नुआपड़ा जिले में इस प्रकार जघन्य कांड गोटे कार्यरत सांबादिक एंता घटना केवे घटे नहीं थाना सामने से आक्रमण होते आम दृढ़ निंदा करूँ निश्चित भाव आशा कर पुलिस कार्यदक्षता को प्रमाणित करेंगे जनसाधारण सम्मुखें सांबादिक बंधु मान सम्मुखें एवं पुलिस कार्यानुष्ठान लेकर जनसाधारण विश्वास पात्र हवा लगे प्रमाणित करने चेष्टा निश्चय करेंगे इस प्रकार आशा रखु ना परिणाम प्रति से प्रस्तुत गत काली सकाल प्रतिनिधि सकाल न्यूज पेपर प्रतिनिधि को खबर संग्रह आसवाबले कि गुंडा श्रेणी लोक असामाजिक श्रेणी लोक मैंने निर्मम भाव में माड़ मार पुलिस थाना सम्मुखें खड़ियाल थाना सामने जो माड़ मार घटना को आम नुआपड़ा जिला सांबादिक संघ तरफ समूह भाव दृढ़ भाव निंदा प्रकाश करछु गत काली राति ये जो खबर संग्रह आविकांत ठेला राति पुलिस थाना सामने जोटा कि रास्ता उपरे गुड़े गुड़े भाव निस्तुक माड़ मार जोटा कि निंदनीय घटना अटे यही घटना को नुआपड़ा जिला समूह संघबद्ध भाव में निंदा प्रकाश करा कर घटना को नहीं डाकबंगला खड़ियाल ठारे एक प्रतिवाद सभा समूह सांबादिक मैंने खड़ियाल खड़ियाल थाना बारांडा आज आम समूह बसचु धाना बसचु जे पर्यंत जो घटना माड़ मार सांबादिक मानू माड़ मार जो दुर्बृत्त मान जो पर्यंत गिरफ्त कराना जाए से पर्यंत आम आंदोलन जारी रहिबो मो सर का 8-9 गोटे खबर शुणी जे गोटे कुकड़ गोटे मर्डर केस गोटे मर्डर केस आसाला तार भितर काड़ा होती काड़ा तार तथ्य संग्रह करने खड़िया थाना को आसती थाना आसी सारे समस्त फोटो भिडियो मारूला समय मोर मोबाइल को कतेटा दुर्बृत्त भिजिली कि पूरा भिजिली मत पोस्ट फोटो एटाक् कले आर आक्रमण कर एका समय 20-25 जन व्यक्ति मत आक्रमण कर मुह पाखे माड़ी पाखे माड़ी और बहुत पिठी मोर बहुत माड़ी कहीं माड़ मर कौन मो फोटो नौली सर सामने फोटो नौली कौन होती घटना सत्य कौन जानवाक चाहूली आ घटना विषय ही फोटो नौली और फोटो नाला समय मोर मोबाइल टाइम काढ़ कौन दावी कर मो दोषी भितर जेल व्यक्ति मैंने मत आक्रमण कर कठोर कठोर दंड दिया निश्चित रूप से देखो आम बारंबार कही आसा केवल खाली खरीयारे नुहे समग्र राज्य में आज चतुर्थ स्तंभ जहां कहुआ सांबादिक बंधु मैंने आज सुरक्षित था आज ओडिशा सारा लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति जहां देखाई आप देखिए खरीयार पुलिस स्टेशन में कौन दायित्ववान लोक भी नाठी कि दायित्ववान कथा हबार गोटे पुलिस अफिसर ये ना आठ 5G कम करें आज बांसपट मार
ତୃତୀୟ ମହଳାରେ ବସିଥିବା 5G ସରକାର ଆଜି ବାହାସ୍ପଟ କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିଷଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ଘଟଣା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଖରିଆର ଥାନା ଭିତରେ ଘଟିଛି, ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଟା କେବଳ ଖାଲି ଖରିଆରରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ସରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାହାର ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ, ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇକରି ତାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଟ ଆଡ଼ବଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଗୌରୀ ଟିଭି।